सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पी स्टार सेक्टोरियल्स। मैं पंकज कुमार और सभी का पी स्टार सेक्टोरियल में स्वागत करता हूँ। सो फ्रेंड्स, इस सेशन से हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा जो आज का जो आपका जो सेशन से या एज इट हम कह सकते हैं, जो आपका जो टॉपिक आपका मेनली यहाँ पर होगा आपके जो एज इट आपके जो ISS 2022 के आपके जो एग्जाम आपके हुए थे, तो उसमें आपका जो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर में जो प्रोबेबिलिटी पार्ट से बेस्ड आपके कितने नंबर आप क्वेश्चन आपके पूछे गए थे या उनके क्वेश्चंस के अपने क्या आपके बेसिक आपके पैटर्न थे, उसको लेकर हम डिटेल में लेकर आपकी ये डिस्कस करने वाले। ठीक, तो हमारा जो ये तरीके से आपके ये जो सीरीज आपकी जो चल रही है, आपकी एनालिसिस क्लास आपकी जो चल रही है कि एजिट आपके जो ISS 2022 के आपके जो क्वेश्चन पेपर्स आपके हैं, जिसमें आपका स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट सेकेंड थर्ड या फोर्थ पेपर की बात कर सकते हैं। तो इसमें एज इट आपके जैसे स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर को हम अगर ले लेते हैं, तो इसमें आपके फोर आपके पार्ट जैसे आपका प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिकल मेथड्स हो गया, आपका कंप्यूटर एंड आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस आपके हो गए। तो इस तरीके से यूनिट वाइज आपके क्वेश्चन किस तरीके से आपके कैसे आपके पूछे गए हैं, उन सबको डिटेल में लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे आपके। ठीक, जस्ट इससे पहले वाले लेक्चर्स में अगर हम लोग देखा जाए तो आपका ये आपका स्टैटिक सेकेंड पेपर में आपका लीनियर मॉडल बेस्ड आपके क्वेश्चंस आपके एंड स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस आप बेस्ड आपके क्वेश्चंस कहाँ से कैसे आपके पूछे गए, तो वो तो हम लेके एनालिसिस कर लिए थे। अब ये हमारी जो आपकी स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर में बेस्ड आपके ये जिसमें आपके प्रोबेबिलिटी पार्ट से रिगार्डेड जो एज इट आपके जो क्वेश्चंस आपके हैं उसको डिटेल में लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर हम बात कर सकते हैं जो एज इट आपका ISS फर्स्ट पेपर मतलब यहाँ पे आपका एज इट आपका 2022 के आपके जो एग्जाम्स हुए, तो इसमें आपके जो स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर में ये जस्ट लाइक आपका ऑब्जेक्टिव पेपर्स आपका होता है, जिसमें अगर हम बात कर सकते हैं आपके प्रोबेबिलिटी पार्ट से रिगार्डेड आपकी, तो प्रोबेबिलिटी पार्ट वैसे आपका फोर पार्ट इसमें आपका होता है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिकल मेथड, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर्स होता है। तो जिसमें अगर हम प्रोबेबिलिटी पार्ट को लेकर हम डिस्कस करें, तो इसको मैंने एज इट आपका इस तरीके से यूनिट वाइज आपको डिवाइड कर दिया है और यहाँ से एक बेसिक आइडिया लग जाता है कि कहाँ से कितने सारे क्वेश्चन आपके हैं। तो अगर हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पार्ट की बात कर सकते हैं, तो एज इट इसमें प्रोबेबिलिटी पार्ट से आपके 3 to 4 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे। रैंडम वेरिएबल्स अगर हम बात करते हैं, तो इसमें आपका 9 to 10 क्वेश्चंस आपके एज इट आपके थे। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आपके 3 to 4 क्वेश्चन था आपके। लिमिट थियरम की अगर बात करते हैं, तो 1 to आपके ये 2 क्वेश्चन आपकी एज इट आपके। तो यहां से मैंने अप्रोक्सीमेट इसमें लगा दिया है। अब यहाँ से प्रोबेबिलिटी पार्ट तो है ही इसमें आपका, और प्रोबेबिलिटी पार्ट की इनसाइड आपके प्रोबेबिलिटी आपका हो गया जिसमें आपके 3 to 4 क्वेश्चन आपके हैं। रैंडम वेरिएबल्स में आपके ये PDF, PMF फॉर यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन फॉर यूनिवेरिएट, बाइवेरिएट, MGF, कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन और ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ये सब इसी के इनसाइड आपके आ जाते हैं आपके ये। तो इनको मिला के आपके 9 to 10 क्वेश्चन आपके ये थे इसमें। ठीक, साथ में स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, तो स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके इसमें आपके स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस के इनसाइड हम लोग यहाँ पे अगर किसको कंसीडर करते हैं, तो आपके डिस्पीट बेस्ड आपके डिस्ट्रीब्यूशंस एंड साथ में कंटिन्यूअस बेस्ड आपके डिस्ट्रीब्यूशन, और इसके इनसाइड आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आपके 3 to 4 क्वेश्चन आपके यहाँ से आपके पैटर्न आपके, या अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर इसको साइड कर दें क्योंकि वो स्टैटिस्टिकल मेथड्स का आपका पार्ट होता है, तब भी आपके 3 to 4 क्वेश्चन आप ये थे। बाकी लिमिट थियर में जैसे इसमें कन्वर्जेंस वाला जो पार्ट आपका ये है, तो जैसे आपका कुल मुर्गो इनिक्वालिटी का सर, तो मोड ऑफ कन्वर्जेंस आपका हो गया, आपके ये वीक लाफ लार्ज नंबर या सेंटर लिमिट थ्योरम, इस तरीके से जो पार्ट उसका मैंने एक नाम रख दिया, लिमिट थ्योरम रख दिया आपके ये, या हम इसको मोड ऑफ कन्वर्जेंस भी कह सकते हैं। यहां से आपके 1 से आपके 2 क्वेश्चन, इट मीन्स आपका 1 या 2, तो अगर 1 से 2 क्वेश्चन कहने का मतलब हो सकता है कुछ इनइक्वलिटी बेस्ड आपके क्वेश्चन आपको, या डायरेक्ट आपके इसके आपके रिगार्डेड आपको। ठीक, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन के पैटर्न मतलब इस बार आपके थे। अब प्रोबेबिलिटी पार्ट से ही वैसे अगर स्टैटिस्टिक्स फर्स्ट पेपर की बात करते हैं, तो यहां से टोटल आपके 80 क्वेश्चंस आपके ये बनते हैं आपके। इस 80 क्वेश्चंस में से आपके 20 लगभग 20 क्वेश्चंस आपके प्रोबेबिलिटी पार्ट से आपके हैं, मतलब इसकी आपके 20-20 क्वेश्चंस का क्या आपके पैटर्न आपके ये चलता है आपका ये इस तरीके से। तो 20 पार्ट आपके प्रोबेबिलिटी पार्ट से हो गए, 20 आपकी स्टैटिस्टिकल मेथड, 20 आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड 20 आपके कंप्यूटर के आपके ये हो गए। तो ये हमारा जो प्रोबेबिलिटी पार्ट के जो क्वेश्चंस के आपके जो डिस्ट्रीब्यूशन आपके कि किस टॉपिक से कहां से कितने सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए, तो ये आपका ही है। अब प्रोबेबिलिटी में जो एजिट आपके उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड आपके हैं जो वहां से आपके रैंडम वेरिएबल्स में अगर हम बात करें, तो क्वेश्चंस भी आपके इतने आपके टफ नहीं है, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर्स बेस्ड ही आपके हैं। स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपका देखा जाए, तो
आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपके हो गए, फिर आपका बीटा गामा इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड आपके प्रॉब्लम्स आपके थे। लिमिट थ्योरम में तो यहाँ से आपके मतलब एज इट आपका हम कह सकते हैं जो प्रॉब्लम्स था आपके एक कन्वर्जेंस पे बेस्ड था कि तो वो आपके पैटर्न थे। तो हमारे ये आपके क्वेश्चंस है। अब इन जो आपके ये क्वेश्चंस आपके पूछे गए, इन्हीं क्वेश्चंस में से मैंने कुछ क्वेश्चंस का सिलेक्शंस किया है और उसको लेकर हमको क्या करना है, आप आपको डिस्कस करना है। हम लोग चलते हैं इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके ये, और उसके बाद हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर ये क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है तो उनके सॉल्व करने के क्या आपके बेसिक आपके मेथड्स है, क्या उनके अप्रोच हैं, या और भी सारे प्रॉब्लम इससे लेकर कैसे आपके बनाए जा सकते हैं। जब आप में से जो भी स्टूडेंट्स हैं 2023 को अगर टारगेट करके चल रहे हैं या 2024 के, तो क्या पैटर्न हो सकता है इन अपकमिंग आपके एग्जाम में, तो ये भी हम लोग डिटेल में लेके आपके डिस्कस करें। ठीक, तो यहां से हमारा जो क्वेश्चन नंबर आपके जो फर्स्ट आपको जो दिया गया, अगर हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं तो ये जो हमारा जो क्वेश्चंस आपके डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट से आपके रिकॉर्डेड आपके क्वेश्चंस हैं, और इधर आप देखेंगे तो ISS 20 से ये क्वेश्चंस का पैटर्न आपकी स्टार्ट 20 21, हाँ 20 से क्वेश्चंस का पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस का पैटर्न स्टार्ट हुआ है। उसके बाद 21 में भी एंड 22 में भी आपके आया हुआ, तो मतलब एक तरीके से अब ये टॉपिक आपका टारगेटेड हो गए हैं कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट से क्वेश्चंस आपके बनने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस सेंस हम कह सकते हैं जो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस होता है हमारा, कि आपका जीरो से ग्रेटर एंड इन्फिनिटी से आपका लेस आपका होता है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन आपके, तो अगर हम इसके पैटर्न को समझें, अगर ये क्वेश्चन जो एज इट आपको जो डिजाइन किया गया है, अगर इसके कॉन्सेप्ट या इसके मेथड्स को समझें, तो बस इसका जो बेसिक अप्रोच, यहाँ से आपका एक्स आपका रेंडम वेरिएबल से एंड आर एक्स का इसका रेंज स्पेस है। अगर हम इस पे एफ एक्स यहाँ पे क्या करते हैं आपके डिफाइन करते हैं, तो ये एज इट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आपका होगा, मतलब यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन पे माइनस एफ ऑफ माइनस इन्फिनिटी पे क्या आपके जीरो एंड एफ ऑफ इन्फिनिटी पे क्या आपके ये वन आपका, तो एफ एक्स हमारा सिंपली ये जो वैल्यू आपके ग्रेटर देन जीरो एंड लेस देन इक्वल टू आपका वन आपका होना चाहिए। उसके बाद यहां से आपके फोर आप जो इवेंट बेस्ड आपकी इनइक्वालिटी आपकी बन के तैयार होती है, और उसमें अगर हम कह सकते जैसे हमारा कि आपका ये यहां से आपका ए अगर लेस देन आपका बी आपका दिया गया, तो इस केस में ये एक्स आपका है वो यहां से ए से ग्रेटर एंड लेस देन इक्वल टू आपका बी हो गया, यहां से भी इसको कर सकते हैं। फिर आपका जो एक्स आपका जो दिया गया है वो ए से ग्रेटर आर इक्वल एंड लेस देन आपका बी हो गया, फिर हम यहां से कह सकते हैं एक्स आपका लेस देन आपका बी है, और इसपे हम कह सकते हैं लेस देन आर इक्वल टू आपका ए हो गया, और उसके बाद आपका एक्स आपका ए से ग्रेटर एंड बी से आपका लेस। ये जो फोर इवेंट बेस्ड आपके जो एक तरीके से आपके टर्म आपके जो चलते हैं इसी पे बेस्ड अब आपके लेके आपके क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। तो इसमें अगर आपका देखा जाए ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट आपका है इस वाले टर्म पे लेके आपसे ये पूछा गया, तो अगर हम इस पे यहां से अगर एज इट हम करते हैं प्रोबेबिलिटी आप हमारा कि आपके ये एक्स आपका ए से हमारा कि आपके ये ग्रेटर है एल एज आर इक्वल टू आपका बी दिया गया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ ये बी और ये एफ ऑफ ये ए माइनस कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद इस पर हम लोग देख इसमें हमारा जो बेसिक स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर आपका जो चलता है कि अगर एक्स हमारा ए से ग्रेटर एल एज आर इक्वल टू आपका बी है, तो यहां से एफ ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम इसमें कर सकते हैं, तो एफ ऑफ ए बी माइनस एफ ऑफ ए आपका ये चलता है आपका ये। तो अब इस तरीके से हम पैटर्न बेस्ड कर लिए। अब यहां से हम इसमें देख सकते हैं कि इस वाले टर्न में यहां से ए आपका इंक्लूड नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे उस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी आप एट एक्स इक्वल टू ए इस पर हम लोग क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारा कुछ और भी इसमें आपका जो टर्न चलता है कि अगर हम यहां से करते हैं कि प्रोबेबिलिटी आप एट एक्स इक्वल टू ए पे इसका और वैल्यू एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए हम करेंगे तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए माइनस होता है। तो अब सेम अगर थोड़ा सा इसको हम और भी सिंप्लीफाई कर देंगे तो एफ ऑफ ए बी हो गया एंड साथ में एफ ऑफ ए और इसको कर देंगे तो ये एफ ऑफ ए हो गया एंड एफ ऑफ ए माइनस हो गया। अब इस वाले पार्ट से ये कट गया, इट मीन्स आपके क्या हो गया एफ ऑफ ए बी और ये हम कर दिए तो एफ ऑफ ए माइनस हो गया। अब जब इसको करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया आपका ए हो गया और ये हमारा क्या हो गया आपका ये बी हो गया। तो अब यही वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो जब वैल्यू इसमें रख देंगे तो हमारा क्या हो गया एफ ऑफ ए 2.5 हो गया और इसको कर देंगे तो एफ ऑफ ए 1.5 आपका ये लेस हो गया। अब इसका मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू हमारी 2.5 है तो 2.5 हमारा क्या होगा ये इसी इंटरवल में आपका आ जाएगा, इट मीन हम यहां कर देंगे तो हमारा क्या होगा इस इंटरवल में आने के मतलब कि हम एक्स यहां पे क्या करेंगे 2.5 बाई कितना आपके 5 रख दिए माइनस कर दिए।
अब 1.5 करेंगे तो 1.5 भी हमारा इसी इंटरवल में आ जाएगा, तो x ऑफ हम क्या करते 1. आपका 5 बाई आपका 5 रख दिए, इट मींस यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया आपका 1 अपॉन ये 5 हो गया। तो यहां से हमारा डी आंसर क्या आपके ये करेक्ट आपके हो जाएंगे। ठीक, तो अब ये टारगेटेड क्वेश्चंस आपके हो गए। अब ये 2000 यहां से हम कह सकते 2020 से ये पैटर्न स्टार्ट किया गया है इस तरीके से, 21 में भी एंड 22 में भी आपके थे, मतलब डिस्ट्रीब्यूशंस को लेके आपके क्वेश्चंस आपके डिजाइन किए गए, तो इनको सॉल्व करने के ये बेसिक हमारे क्या आपके ये मेथड्स आपके हैं। ठीक, तो मैंने तो आपको इस पैटर्न पे लेके आपको बताया, बाकी इन सब के भी हमारे एज इट आपके इसी पैटर्न को लेके आपके क्या आपके क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो आप लोग इसको भी क्या कर सकते हैं लेके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ये जो हमारे जो क्वेश्चंस आपके हैं ये आपका ज्वाइंट पीएमएफ बेस्ड आपके क्वेश्चंस आपके हैं, और यहां से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्चुअल बेस आपका कॉन्सेप्ट यहां पे लगा दिया गया है, तो इनको सॉल्व करने के क्या हमारे बेसिक आपके मीटर्स हो। तो अगर हम यहां से समझे, यहां से हमारा दिया गया जो एक्स इक्वल टू 1, 2, 3 एंड वाई इक्वल टू 1 एंड 2 दिया गया, तो फर्स्ट एज इट हम लोग क्या करें कि एक्स एंड वाई का हम लोग पेयर बना लें। अगर हम इसके पेयर की बात करते हैं तो हमारा कितना होगा आपके ये 1, 2 एंड 3, फिर यहां से हम कर दिए तो 1 एंड 2, इसका हम पेयर बना लिए। तो अगर हम इसके पेयर को अगर हम बनाएंगे तो क्या होगा आपका 1, 1, फिर आपका ये 1, 2 हो गया, फिर यहां से आपका 2, 1 एंड आपके ये 2, 2, इसके बाद हम करेंगे 3, 1 एंड यहां से आपके 3 एंड 2, ये इसके पॉसिबल आपके पेयर बनेंगे। अब इसमें से हमको उस पेयर को चूज करना है जिसमें से इस कंडीशंस को क्या करें आपको फुलफिल करें, हमको क्या करना है उस पेयर को चूज करना जो इस कंडीशंस को क्या करें फुलफिल, इसका डिफरेंस करें। तो हमारा कौन सा आपको इस कंडीशंस को फुलफिल करेगा, एक तो हम इस पेयर को लेंगे, अगर x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1 लेते हैं तब भी क्या करेगा ये इस कंडीशंस को आपको ये फुलफिल करेगा। उसके साथ साथ अगर हम इस पेयर को x इक्वल टू 1 कर देते हैं और ये हम यहाँ पे 2 कर देते हैं तब भी -1 इस कंडीशन को क्या करेगा आपको फुलफिल करेगा। फिर अब इसके बाद अगर इसके बाद का अगर हम कोई पेयर लेते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं आपका 2 के साथ 1 करते हैं, तो ये इसको फुलफिल नहीं करेगा, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो 1 0.5 से आपका लेस थोड़ी ना, तो ये डिस्कार्ड कर दिए। फिर हमारा क्या हो गया आपका ये 2, 2, तो 2, 2 करेंगे तो ये भी हमारे ये भी क्या करेगा इस पेयर को आपको होल्ड करेगा। उसके बाद 3, 1 ये आपका नहीं करेगा एंड 3, 2 करेंगे तो ये आपका नहीं करेगा। इट मीन्स आपका एक पेयर ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये सेटिस्फाई कर और ये सेटिस्फाई कर। तो अब इसके जगह पर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ये हमारा मतलब 1, 1 हो गया और प्लस 1 एंड 2 हो गया, प्लस यहां से हम लोग क्या कर दिए 2 एंड 2 हो गया। अब इसी पे क्या करिए प्रोबेबिलिटी ऑपरेट कर दीजिए, यहां से हम क्या कर दे प्रोबेबिलिटी ऑपरेट कर दो, पी ऑफ ये 1, 1 करेंगे तो यहां से 1, 1 आपके ये 2 अपॉन ये 21 हो गया, प्लस यहां से कर दिए तो आपका 3 अपॉन ये 21 हो गया, और इसको कर देंगे तो 4 अपॉन ये 21, 4 3 7 2 9 कितना हो गया आपके ये, इसको हम कर दिए तो 4 3 7 2 9 9 अपॉन ये 20 आपके ये 1 हो गया। तो इस तरीके से कर सकते हैं 3 3 जा 9 एंड 3 7 1, तो 3/7, तो 3/7 इसमें आपका है यस। तो यहां से हमारा सी आंसर क्या आपका ये करेक्ट आपका हो जाएगा, और सिंपली इसको हम इस तरीके से क्या करेंगे आपको सॉल्व करेंगे। तो यहां पे ये है क्या कि ये हमारा जो इवेंट आपका x-y ये हमारे क्या एक्चुअली में आपके एक इवेंट को मतलब ये तो ऑन द रियल लाइन है, लेकिन ऑन द रियल लाइन हम इसको क्या करेंगे एक इवेंट बेस्ड लेके यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारा ये आपका टर्न। और इस तरीके से तो मैंने लेक्चर्स अपलोड किया भी है कि अगर हमारा मतलब एक तरीके कंडीशनल बेस्ड ये कंडीशनल बेस्ड आपके इवेंट आपके तैयार किए जा रहे हैं रैंडम वेरिएबल को लेके आप किए, तो यहां से हम इसको कैसे करें, तो जस्ट लाइक हम यहाँ पे जो पेयर ऑफ ये पॉइंट आपके बनेंगे इन पेयर ऑफ पॉइंट को हम लोग क्या इसको लेके सेटिस्फाई। अब यहीं से बहुत सारे कंडीशन आपके जैसे आपका मैक्सिमम ऑफ ये अगर आपके एक्स एंड वाई कर दिया जाए, या आपका मिनिमम ऑफ एक्स एंड वाई आपका कर दिया जाए, या ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर या लॉग ऑफ एक्स एंड वाई कर दिया जाए, तो इस तरीके से अप्रोच को भी लेके आपके एज इट आपके क्या आपके ये क्वेश्चंस आपके हो सकते हैं। ठीक, कॉन्सेप्ट आप सभी को समझ में, आप इसमें एक बार कैलकुलेशंस करके भी देख सकते हैं, हो सकता है मुझसे माइनर से कैलकुलेशंस पे आपके मिस्टेक्स आपके हो जाए, बट ये है कि अप्रोच या कॉन्सेप्ट आपके यही है और इसको लेके आप क्या कर सकते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर जो 3 आपको जो दिया गया है, ये जो क्वेश्चंस आपके हैं है तो लगभग आपके डिस्ट्रीब्यूशंस पार्ट ही बेस्ड आपके हैं,
और इसका पीडीएफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारा एफएक्स आपको जो दिया गया 1/2 e^(-mod)x दिया गया, ये स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशंस का आपका पीडीएफ आपका होता है। और स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशंस का पीडीएफ होने का मतलब ये है कि इसमें क्वेश्चंस को लेकर इसका जैसे एक्सपेक्टेशंस बेस्ड आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनते हैं। तो वो तो मैं आपको अभी कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, बट यहाँ पे जो ये प्रॉब्लम आपको लेके आपके डिजाइन किया गया इसको भी हम देख सकते हैं। इसमें कहा जा रहा कि प्रोबेबिलिटी -1, यक्स हमारा -1 से ग्रेटर एंड 2 से आपका लेस आपका दिया गया, तो उस केस में इसकी अपनी वैल्यू आपकी क्या होता है। सिंपल सा आपका कॉन्सेप्ट आपका है, तो यह है क्या एक्चुअली में जो मतलब हम ये कह सकते हैं, ये हमारा यही आपके कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझिए यह है यही पैटर्न है। लेकिन वो कंटिन्यूअस के केस में आपका दिया गया, तो कंटिन्यूअस के केस में आपका दिया गया तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। मतलब यहां से प्रोबेबिलिटी आप जो दिया गया आपका -1 ये x एंड 2 से ग्रेटर, तो हम इसको कर -1 से ग्रेटर एंड 2 से लेस और fx एंड dx इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक, इतना हम इसको क्या कर सकते हैं आप ये कर सकते हैं। अब लेके इसको क्या करना, सिंपली आपको इंटीग्रेशंस करना है। तो जब हम इसको लेके इस वाले पार्ट पे करेंगे तो हमारा क्या -1 से लेके हम लोग क्या कर दे 0 तक चले गए, कितना आपका -1 से लेके 0 और फिर इसके बाद 0 से लेके हम लोग 2 तक जाएंगे। अब जो यहां से ये जो मॉड ऑफ ये एक्स आपको दिया गया है ये हमारा क्या होगा, आप ये देखिएगा ये -x होगा व्हेन एक्स लेस देन आपका 0 और ये हमारा क्या होगा आपका ये प्लस आपका एक्स होगा व्हेन एक्स ग्रेटर देन आपका ये 0 हो जाएगा। तो अब ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। तो जब -1 से लेके 0 तक जाएंगे तो ये एफ एक्स की वैल्यू हमारी क्या होगी 1/2 और e^2 ये हमारा क्या होगा आपका ये -x। तो ये तो ऑलरेडी माइनस है और साथ में ये भी माइनस आ जाता है, आप ये प्लस आप ये एक्स हो जाएगा और साथ में आपके क्या होगा आपका डी एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 0 से 2 तक जाएंगे तो ये 1/2 हो जाएगा (n)(e^(-x) एंड डी एक्स हो जाएगा। अब बस इसी को क्या करना है लेके आपको सिंप्लीफाई कर देना, तो 1/2 तो आपका बाहर हो जाएगा और (e^(x) करेंगे तो ये हो क्या जाए आपके ये सिंपली सा आपके ये (e^(1)-ye)(e^(-ye)1 हो जाएगा। प्लस यहां सम कर देंगे तो 1/2 तो मैंने पहले से बाहर कर दिया, इसको हम लोग कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा आपका ये इस वाले अगर सॉल्व करते तो माइनस में आ जाएगा, इट मीन्स हम यहां से कर दिया आपका ये तो (e^(-) मतलब ये (e^(-ex) और ये यहां से आपका माइनस भी आपका आ जाएगा। तो हम इसको कर सकते हैं आपके ये 1 and (e^(-ye)2 आपका कर सकते हैं। तो 1 हमारा क्या होगा आपके ये हम इसको लिख सकते 1/2 और इस केस में ये 2 उसके बाद आपके ये (e^(-1) and (e^(-ye)2 देखिए इसमें कोई मैच कर रहा है यस, तो यही आपके ए आपका मैच कर रहा है। बस इंटीग्रेशन से एक बार चेक लें, मेन इसमें कैलकुलेशंस पार्ट तो अलग मैटर करता है, ये है कि यहाँ से इसके अप्रोच क्या कॉन्सेप्ट क्या है ये सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है। तो एक तो इसमें हमारा ये टेक्निक आपको लगाना आपका ये है। अब जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसको एक्सपेक्टेशंस को लेकर बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस आपके हैं, तो देखिए अगर हम इसको एक्सपेक्टेशंस आप ये यहां से हम जी ऑफ एक्स की बात कर दी, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा आप ये, तो हम इसको क्या करते -∞ to ∞ और ये जी ऑफ एक्स एफ एक्स एंड डी एक्स, तो अब ये हमारा माइनस में दिया गया। अब यहां से जो इसका इंटीग्रेंड पार्ट है ऑड और इवेन का रूल लगाएंगे इसमें, तो अगर ये हमारा इंटीग्रेंड पार्ट है इसका क्या आपका ऑड है तो उस केस में वैल्यू हमारी क्या आपके 0 हो जाएगी। जैसा हमने ये कह दिया कि बताइए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ ये एक्स और मॉड ऑफ ये एक्स इस केस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स मॉड ऑफ एक्स इसमें हमारा क्या होगा आपका ऑड फंक्शंस हो जाएगा, दिस विल बी ये हमारी वैल्यू क्या आपकी ये 0 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके कॉन्सेप्ट आपके हैं, यही सब ये कि एक्सपेक्टेशन आप अगर हम ये कर दिया आपकी ये एक्स यहां से एक्स आपका दिया गया एन साइन ऑफ ये एक्स अपॉन ये मॉड ऑफ ये एक्स का स्क्वायर आपका दिया गया, इसकी अपनी वैल्यू क्या होगी, तो ये हमारा क्या होगा आपका ये आपका ऑड फंक्शंस होगा, तो ऑड फंक्शंस में आपके क्या होगा आपके ये 0, मतलब ये पूरा टर्न इसके साथ भी क्या होगा आपका ऑपरेट होगा। तो इसका इंटीग्रेंड पार्ट लेकर हम ऑड और इवन लेके चेक करेंगे, तो अगर ऑड है तो 0 है और अगर ऑड नहीं है तो उस केस हम लोग क्या करेंगे जो इसका इंटीग्रेशन पार्ट है वो 2 times (0 to ∞) लेके इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट आपके एक तरीके से ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आपका क्वेश्चन और स्टैंडर्ड लाप्लास डिस्ट्रीब्यूशंस को लेकर आपकी ये डिजाइन आप ये किया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में ये हमारा बर्नौली एंड बाइनोमियल को मिक्स लेके आप ये क्वेश्चन आपका बनाया गया।
तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर यहां पर हम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें या आपके बाइनोमियल, ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशंस एज इट आपका बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बर्नौली का ही क्या आपका एक्सटेंशन होता है। ठीक, इसमें नंबर ऑफ ट्रायल आपके क्या होते हैं, वन होते हैं, इसमें नंबर ऑफ ट्रायल क्या होता है आपके एन आपके होते हैं, ये हमारे आपके टर्म आपके हैं। तो अब इस केस में ये एज इट आपके एडिटिव प्रॉपर्टी को आपको होल्ड करता है कि नहीं करता है। देखिए किसी भी डिस्ट्रीब्यूशंस को अगर आपको पढ़ना है तो उन डिस्ट्रीब्यूशन से रिगार्डेड क्या क्या चीजें आपको नोट डाउन करके चलना चाहिए। सबसे पहले तो इसका पीडीएफ या पीएमएफ क्या होता है आपके, ये मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशंस, ये आपके टर्न हो गए। फिर आपका मोड, उसके मोड आपके मीन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशंस मीडियन और मोड, ये एक साथ उसको पढ़िए। उसके बाद स्क्योनस कर्टोसिस को उसको वन साइडेड करके एंड देन उसके बाद वो जो डिस्ट्रीब्यूशंस होता है वो एडिटिव प्रॉपर्टी को आपको होल्ड करता है कि नहीं करता है, ये हमारे कॉन्सेप्ट हो गए एडिटिव, या जिसको हम लोग रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, जहां पे यूनिकनेस प्रॉपर्टी को क्या यूज करके आपके सॉल्व किए जाते हैं, लगाए जाते हैं आपके। उसके बाद इंटरकनेक्टेड आपके रिलेशंस आपके, कि एक डिस्ट्रीब्यूशन से दूसरे डिस्ट्रीब्यूशंस में किस तरीके से कैसे आपके रिलेशंस आपके बनते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट आपका एक तरीके मैटर करता है आपके, ये ठीक। तो अब यहां से ये एक्साई हमारा एक्साई, ये सब आपके क्या आपके इंडिपेंडेंट है, जिसमें से ये X1, X2, NX3 आपके क्या बर्नौली को फॉलो कर रहे हैं और ये X4 हमारे क्या आपका बाइनोमियल को फॉलो कर रहा है। देन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ये दिस, तो अब देखिएगा अगर ये बर्नौली को फॉलो कर रहे हैं यहां से 1/3 आपका थ्री दिया, मतलब ईच एंड एवरी एक्स आई, हम ये कह सकते हैं ईच एंड एवरी एक्स आई ये आपका बर्नौली को फॉलो कर रहा है ये, तो यहां से हमारा क्या हो सकता है आपका ये, वन और उसके बाद आपका 1/3 आपका थ्री, मतलब क्रॉस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी आपस में सेम है। इट मीन्स इनका अगर हम सम करते हैं तो X1 प्लस आपका X2 प्लस आपका X3 इसका सम करते ये अब आपका बाइनोमियल को फॉलो कर जाएगा और यहाँ पे ट्रायल आपका थ्री हो जाएगा और ये नंबर ऑफ ट्रायल कह सकते हैं और ये प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/3 आपकी ये थ्री आपकी ये हो जाएगी। अब ये इतना टर्न हो गया, मतलब ये बाइनोमियल को फॉलो कर गया और साथ में जो एक्स आपका बाइनोमियल, मतलब यहां से ये एक्स आपका बाइनोमियल को अगर फॉलो करता है ये एन और ये पी आपका दिया गया, तो ये एन माइनस ये एक्स जो होता है ये भी आपका क्या करता है ये बाइनोमियल को फॉलो करता है और यहां से क्या आपका ये एन और ये क्यू आपका हो जाता है। तो सेम अगर हम इसको थ्री माइनस ये एक्स फोर की बात करेंगे तो थ्री माइनस ये एक्स फोर जो होगा ये आपके बाइनोमियल को फॉलो करेंगे और ये थ्री तो होगा ही होगा, साथ में इसकी प्रोबेबिलिटी 2/3, सक्सेस प्रोबेबिलिटी 2/3, तो यहाँ पे इसकी फेल्योर प्रोबेबिलिटी आपकी क्या होगी 1/3 आपकी ये थ्री आपकी हो जाएगी। तो अब देखिएगा ये जो हमारा एक न्यू वेरिएट हो गया, इसको हम लोग क्या मान लिया, इसको हम Y4 कर दिए समझने के लिए। तो अब यहां से ये थ्री और 1/3 इसकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी 1/3 है और इसकी भी अपनी सक्सेस प्रोबेबिलिटी भी क्या आपकी है 1/3 है। इट मीन्स ये आपस में मिलकर एक रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, होल्ड करेंगे या उसके बाद एक नए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को ये आपके बना देंगे। इट मीन्स यहां से मैं ये कह सकता हूं अब ये हमारा जो टर्म हो गया ये मिलके आपके ये भी आपके बाइनोमियल को ही बना देंगे आपके ये, और इसका आपका ये थ्री हो गया और साथ में ये थ्री मिलके आपके ये सिक्स हो जाएंगे और ये 1/3 आपके क्या होंगे आपके ये थ्री हो जाएंगे। तो 6 1/3 इट मीन्स इसका भी आंसर क्या होगा आपके ये करेक्ट आपका ये हो जाएगा। अब इधर आप देखें ये बड़ा मतलब एक फेमस क्वेश्चन है, तो ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चंस आपके ओनली फॉर आईएसएस में आपका फर्स्ट टाइम आया है, इस टाइप के क्वेश्चंस का हम लोग क्या बोलते हैं घुमक्कड़ क्वेश्चन बोलते हैं और ये क्वेश्चंस आपका घूम फिर के अलग अलग एग्जाम में आपके आते रहते हैं। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके हैं जो घूम फिर के अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी कैटेगरी में ये भी क्वेश्चंस आपके हैं, आपके आईएसएस में भी आपका आया हुआ है, बाकी और भी सारे जो एग्जाम्स आपके उसमें भी आपके हैं, तो हैं सब ऐसे क्वेश्चंस आपके मिल जाते हैं। ठीक, तो ये आपके हो गए, तो ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड आपके प्रॉब्लम्स आपके हैं, बाकी और भी सारे आपके क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो उसमें और भी क्वेश्चंस, तो मैंने उसमें से कुछ क्वेश्चंस को पिक किया है जो एक कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थोड़े से आपके हैं, तो है काफी अच्छा खासा कॉन्सेप्ट आपके हैं इस क्वेश्चंस में, और ये नहीं है कि बस इतना ही सिंगल क्वेश्चंस आपका बन गया, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, इससे लेके आपको
जितना चाहे उतना क्वेश्चन बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर या एक्सपर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से इस क्वेश्चन को लेके बनाता है आपके। लेकिन अगर मुझे ही बनाना तो मैं भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बना सकता हूँ। ठीक, तो आप लोग अगर मेरे FLT को देखेंगे, जो मेरा फुल लेंथ टेस्ट आपके जो चलते हैं आपके, उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऐसे आपके क्वेश्चंस आपको देखने को आपके मिलते हैं, जस्ट लाइक आपके प्रैक्टिस के तौर पे आपके ये। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। हाँ, एक चीज आपके ये है, जैसे ये बर्नौली बर्नौली एंड बाइनोमियल को मिक्स करके आपके क्वेश्चन आपका बना हुआ है। तो अब तो एक सबसे पहले जब भी अगर आप किसी पेपर की, देखिए मेन है कि क्वेश्चन पेपर को ही सॉल्व करना नहीं है, आप अगर किसी पेपर को लेके एनालिसिस आप करते हैं तो पहले उन क्वेश्चंस के पैटर्न को देखिए कि वो क्वेश्चंस आपके किस पैटर्न को लेके बनाया गया है, क्या ये एक यूनिक पैटर्न है या इस जो पैटर्न लेके आपके क्वेश्चन बनाया गया इससे पहले ISS में वो उस पैटर्न पे क्वेश्चंस आपके आ गए, मतलब ये रिपीटेड पैटर्न है या डिफरेंट आपके। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन पेपर को लेके आप एनालिसिस करते हैं तो वहां से आपको एक बहुत अच्छे खासे कॉन्क्लूजन्स आपके मिलते हैं, और उन कॉन्क्लूजन्स को लेके एक बेसिक एक आइडिया लग जाता है कि इन फ्यूचर्स, मतलब 2023 की बात करें या 2024 की बात करें, तो किस तरीके से हमारे क्वेश्चंस आपके बनने हैं या हमारे जो क्वेश्चन पेपर हैं उनकी ट्रेंडिंग क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस के पैटर्न आपके चल रहे हैं, मतलब ईच एंड एवरी ईयर आपके क्वेश्चन पेपर में पैटर्न में क्या आपके चेंजेज हो रहे हैं, कैसे क्या चीजें हो रही हैं, क्या नए टॉप मतलब नए क्वेश्चंस आपके ऐड किए जा रहे हैं, किस टॉपिक से ऐड किए जा रहे हैं, तो ये सब एक बेसिक आपको आइडिया लग जाता है जब आप क्वेश्चन पेपर को एक सही तरीके से लेके क्या करते हैं उसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक, तो इतना आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। तो ये जो हमारा जो क्वेश्चन आपके हैं इसको आप मोड ऑफ कन्वर्जेंस के कैटेगरी में रख सकते हैं या लिमिट थियरम के कैटेगरी में रख सकते हैं। ठीक, तो इसमें हमारे क्या आपको, व्हाट इज द लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑफ सीक्वेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होने का मतलब क्या है कि इसका अपना लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका हो गया क्या। तो इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, बट ये है कि अगर लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपसे पूछा जा रहा है तो बस इस पे आपको करना क्या है कि इस पे लिमिट ऑपरेट कर दीजिए डायरेक्ट। यहां पे क्या करिए, लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, यहां से एफ ऑफ ये एन एक्स आपका दिया गया है तो वैल्यू आपकी क्या आपकी आएगी, और यही अगर हमारे क्या एफ एक्स, हम इसको एज्यूम कर ले रहे हैं ये हमारा एफ एक्स आपका है, बस एक पल के लिए एज्यूम कर रहे हैं, और उसी एफ एक्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि एफ एक्स हमारा क्या होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल डी जनरेट एट 0, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ रैंडम डी जनरेटिंग एट एक्स इक्वल टू 1, या डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल्स, या द लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। तो ओवरऑल इसी एफ एक्स के बारे में पूछा जा रहा है, तो वो क्या होगा अगर हम यहां से जैसे ये टर्न दिया गया है इस पे लिमिट ऑपरेट करते हैं तो डायरेक्ट हमारा लिमिट इस वाले टर्न पे आ जाएगा। तो अगर मैं इस पे कर दूंगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, तो मैं यहां से क्या कर दे रहा हूं, एन कॉमन ले ले रहा हूं, तो ये एक्स बाई एन प्लस आपका 1, और यहां से आपके क्या होगा आपके 2n, तो इस n से ये n कट जाएगा, और जब n टेंस टू इंफिनिटी करते ये क्या होगा 1 बाई आपका 2 हो जाएगा। इट मींस ये हमारा क्या होगा आपका 1 बाई आपका 2 हो गया। अब रेंज हमारा क्या है, रेंज की बात कर तो ये x अब हमारा माइनस इंफिनिटी टू आपका इंफिनिटी आपका हो गया, और उसके बाद हम करेंगे तो यहां पर अगर ऑपरेट करें तो ये 1 हो गया और ये x टेंस टू आपका इंफिनिटी हो गया। ये इस तरीके से इसका पैटर्न आपका बन गया। अब इस तरीके से इसका पैटर्न बनने का मतलब ये है कि अगर हमारा x का रेंज माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस आपका तभी आपका होगा जब, अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस के पैटर्न की बात करें तो यहां से f ऑफ ये माइनस इंफिनिटी पे क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, और f ऑफ इंफिनिटी पे क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। तो इंफिनिटी बेस्ड अगर हम कंसीडर करते हैं तो आपका 1 तो आपका आ जा रहा है, लेकिन माइनस इंफिनिटी को लेके कंसीडर करें तो ये 1 बाई आपका 2 आ रहा है, जबकि 0 नहीं आपका है। जबकि यहां से अगर कंसीडर करेंगे तो ये एक्स लेस देन इंफिनिटी, क्योंकि ये माइनस एन टू एन पे ही लेके आपके कंसीडर आपके किए जा रहे हैं, तो माइनस एन टू एन पे लेके कंसीडर, तो माइनस एन से लेस आपका एक्स की वैल्यू तो आपका 0 हो गया, और एक्स की वैल्यू एन से ग्रेटर मतलब 1 हो गया। तो इसमें कुछ ऐसा कोई पैटर्न आपका बन ही नहीं रहा है, और जब ऐसा कोई पैटर्न आपका बन ही नहीं रहा है तो इस केस में ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका नहीं है। ठीक, क्या आप ये डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपका नहीं है, इट मीन्स इसका डी आंसर क्या आपका ये करेक्ट आपका हो जाएगा।
अब इसमें जो और भी सारे जो ऑप्शन, ये ऐसा नहीं कि बस इसके ऑप्शंस को हम लोग सॉल्व, मतलब ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए, हमारा करेक्ट मिल गया, करेक्ट ऑप्शन मिल गया, बहुत अच्छी बात नहीं। इसके जितने भी सारे ऑप्शंस आपके बने, थोड़ा सा उस ऑप्शंस पे भी गौर करिए कि वो किस तरीके से, जैसे इसमें बोला गया है कि डी जनरेटिंग एट एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये डी जनरेटिंग आपका होता क्या है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब एक तरीके से कॉन्सेप्ट है। तो डी जनरेट का मतलब ये होता है कि जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी, आपके जो टर्न आपके दिए गए हैं, उसका जो होल आप कंसंट्रेशंस एट अ सिंगल पॉइंट पे आपका हो, मतलब हम ये कह दिए कि उसके रेंज स्पेस में ओनली वन पॉइंट आपका हो, जिसको मान लीजिए ए कंसीडर कर ले रहे हैं। अब जब ओनली वन पॉइंट आपका हो, इट मीन्स यहां से प्रोबेबिलिटी आप एक्स इक्वल टू ए पे क्या, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आपका ये वन आपको। तो अगर ऐसा कोई रैंडम वेरिएबल से जो ओनली वन पॉइंट आपका ले रहा है आपका ये, इट मीन्स वो आपके क्या होता है, डी जनरेट रैंडम वेरिएबल्स आपके होते हैं। और जब डी जनरेट होते हैं तो उस केस में उसका वेरिएंस आपका क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है आपके, जीरो होता है। बाकी और कोई रैंडम वेरिएबल्स ऐसा नहीं है जिसका वेरिएंस आपका क्या हो, जीरो हो। तो ओनली फॉर डी जनरेट रैंडम के केस में क्या होता है, उसका वेरिएंस आपका ये जीरो आपका ये होता है। ठीक, तो ये आपके क्वेश्चंस आपके लिमिट थ्योरम पे बेस्ड आपका था, और इनको सॉल्व करने के ये आपके बेसिक आपके अप्रोच आपके। ठीक, तो हम लोग कितने क्वेश्चंस को लिए आप यहाँ पे, फाइव क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे लिए, और ये जो फाइव क्वेश्चंस का जो हमारा जो कलेक्शंस था आपका, ये प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चंस आपके आए हुए, उसका हमने यहाँ पे क्वेश्चन नहीं रखा, बट हम लोग रैंडम वेरिएबल्स, स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस और लिमिट थ्योरम पे बेस्ड मैंने यहाँ पे कुछ फाइव क्वेश्चंस को रखा है, और उनके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग क्या लेके डिस्कस किए। अब अगर आप में से जो भी स्पेंड्स एज इट आपका आईएसएस 2023 को टारगेट करके चल रहे हैं, या 2024 या आने वाले समय, अब ऐसा नहीं है कि बस 2024 तक ही आपका होगा, कुछ का प्लानिंग ऐसा होगा 2025 या इस तरीके से आपके होंगे, तो अगर आप इसकी प्लानिंग करके चल रहे हैं तो सबसे पहले तो आपका एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से लेके चल रहे हैं आपका, ये उसकी एक कंप्लीट एनालिसिस, उसकी डिटेल एनालिसिस आपकी, फर्स्ट एज इट आपके क्वेश्चन, मतलब हमारे जो सिलेबस आपके हैं, सिलेबस में क्या क्या टॉपिक आपके हैं, किस टॉपिक से हमारे कितने सारे क्वेश्चन आपके बनने हैं, अगर ये क्वेश्चन इस टॉपिक से बना हुआ तो उसको सॉल्व करने के क्या मेथड हैं, क्या आपके फॉर्मूले हैं, क्या आपके बेसिक कॉन्सेप्ट आपके हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर आपके ये करता है। तो वैसे अगर आप देखा जाए तो स्टार सिक्स फर्स्ट पेपर काफ़ी टफ भी माना जाता है, और अभी लेटेस्ट में तो आपके आईएसएस के आपके फाइनल रिजल्ट भी आपके आ गए हैं, और सबका अपना मार्क्स भी आपका शो कर रहा है उसमें, किसका कितना आप मार्क्स है। तो अगर आप उनके मार्क्स का एक तरीके से पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कैसे क्या चीज़ें हैं, तो स्टार सिक्स फर्स्ट पेपर आपका टफ पेपर माना जाता है। तो अगर हम इसको सही तरीके से एक सिस्टमेटिक वे में अगर इसको हम लेके चलते हैं तो हम इसमें काफ़ी अच्छा खासा स्कोर भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशंस की इनसाइड मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशंस की इनसाइड जो स्टार सिक्स फर्स्ट पेपर में ही जो स्टार्सकल मेथड बेस्ड आपके जो क्वेश्चन आपके हैं उनको लेकर हम लोग क्या करेंगे आपके ये सॉल्व करेंगे, और साथ में वहाँ पे भी हम देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं, या उनके अपने सॉल्व करने के क्या आपके बेसिक आपके मेथड्स आपके हैं। बट ये कि आप क्वेश्चन पेपर को लेके ऐसे एनालिसिस करिए और देखिए आप लोग, और कोई भी डाउट्स होता है तो हम लोग लेके उसको डिस्कस करते ही हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट सेशन के इनसाइड मिलते हैं, और नेक्स्ट सेशन के इनसाइड क्या करेंगे आपके जो इसके जो नेक्स्ट वाले जो पार्ट है तो उसको लेकर हम डिस्कस करेंगे। ठीक, सो थैंक यू फ्रेंड।